फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड एग्जाम पेपर दो हज़ार इक्कीस बाईस क्लास टेंथ सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश इंग्लिश के पेपर का फुल पी डी एफ सोल्यूशन है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे बाकी सब्जेक्टों के तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए आपके मैथ विज्ञान सोशल साइंस और हिंदी सभी के फुल सोल्यूशन डल चुके हैं तो पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए फिर इसके बाद सेक्शन करते हैं वन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इट तो इसको पैसेज को पढ़ना है फिर इसके आंसर देने तो पैसेज को आप पढ़ लीजिए फिर हम इसके इसके आंसर बताते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं चार क्वेश्चन है तो चार क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी हो जाएगा इन लेक नियर बाय इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है द एम्पोरर्स ऑर्डर्स वेयर डेट द आल तो क्वेश्चन दिए इसके ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी तो राइट right आंसर हो जाएगा इसका ओल्ड मैन सुड लीव हिज लैंड तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड मैन शुड लिव हिज हिज लैंड इसके बाद चौथा है चौथा देख लीजिए वट डेड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंड फुल ऑफ एयर तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा हैंड फुल ऑफ एयर इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पांचवा है द एमपरर फेयर्ड तो राइट आंसर हो जाएगा गेटिंग ओल्ड तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गेटिंग ओल्ड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो तो इसको पढ़ना है फिर इसके आंसर देना है तो आपके पेपर का फुल सलूशन मिलेगा तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अभी यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं तो द मैन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वेल डब्ल्यू एच ए एल ई इसके बाद दूसरा है वेजिटेबल ऑयल इज मैनली यूज फॉर किसके लिए यूज होता है कुकिंग के लिए यूज होता है तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा है द ऑफ फिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर क्या हो जाएगा लीवर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी इस पेपर का फुल सोल्यूशन मिल सके द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन व्हैल इज कॉल्ड ए तो क्या हो जाएगा ब्लॉबर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लॉबर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में आए द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज तो राइट right आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रोटेक्शन इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी रीड द पैसेज एंड मेक नोटिस ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल तो इसको पढ़ना है फिर इसके सुटेबल टाइटल्स देने हैं तो पहले पढ़ लीजिए फिर इसके बाद आंसर बताते हैं तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा द सुटेबल टाइटल इज हम्बल बॉडी तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर यू आर अनूप शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल रिवर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर ट्रांसफर टू भोपाल तो इसको लिखेंगे पता डाल देंगे माई इसके बाद दूसरा दिया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड मैरिज से मनी ऑफ योर ब्रदर तो ब्रदर की शादी में अपने दोस्त को कैसे आमंत्रित करेंगे तो लिखेंगे लिख देंगे माई डियर प्रमोद मिश्रा यू विल बी ग्लैड टू नो डैड माई ब्रदर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस ऑन ट्वेंटी फाइव नवम्बर माई ब्रदर हैज़ मी टू इन्वाइट यू सो यू आर कॉडली इन्वाइटेड टू अटेंड द मैरिज यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू और देयर डेज बिफोर द मैरिज टू हेल्प अस प्रिप्रेशन प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स योर सेंसरली प्रमोद मिस्रा इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँच है राइट एंड ए सी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन डेढ़ सो वर्ल्ड माई हॉबी और वंडर्स ऑफ साइंस इंपॉर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इंडियन फेस्टिवल और राइट एंड आर्टिकल तो माई हॉबी पर लिखते हैं हम डेढ़ सौ वर्ड का आर्टिकल्स माई हॉबी पर डेढ़ सौ वर्ड का आर्टिकल आवर हॉबीज डिटरमाइन वार्ड वी वुड बिकम भेन वी ग्रो अप समवन हु लव्स सिंगिंग माई डिसाइड टू बिकम ए सिंगर इन द फ्यूचर इट इज़ मेड मेडिटरी टू चूज ए हॉबी दैट वी वांट टू टेक ऑन द कैर ऑप्शन समटाइम्स हॉबीज आर मैंट फॉर फन एंड रिलैक्सिंग देयर आर प्लेंटी ऑफ वे टू प्रिजर्व ऑफ हॉबी तो ये देख लीजिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वन द बेस ऑफ पिक्चर गिविन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप ऑब्जर्व फिट एंड हेल्दी इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन फिलिंग द ब्लैंक चूज द करेक्ट आर्टिकल्स तो ही इज आवर लेट तो क्या बरेंगे एन क्या बरेंगे एन आवर तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा एन इसके बाद नेक्स्ट है ही अंकल डाइड कैंसर तो क्या हो जाएगा टू टू तो. इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ही वाटेड टू एन इंजीनियर तो क्या हो जाएगा बिकम यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वी वी आर मेक इज क्राउडेड तो राइट आंसर क्या होगा सुड इसके बाद नेक्स्ट है ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस ही इज इल क्योंकि बिकॉज क्या बोलेंगे बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दे इज नॉट वाटर इन पूल तो क्या हो जाएगा सम इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डू एज डायरेक्ट डायरेक्ट करना है तो रवि इज वेरी इंटेलिजेंट तो क्या लगा देंगे सो so, इसके बाद नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज तो द टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रंस इसके बाद नेक्स्ट है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर है ही डिड ही वर्क वेल ही इट डू ही इज ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल इसके बाद पांचवा है दे आर सेलिंग देयर हाउस तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस इसके बाद नेक्स्ट है सीमा इज माय सिस्टर सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच तो सीमा हु सीमा हु इज सिटिंग एट लास्ट बेंच इज माई सिस्टर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मच मैनी डिड लेंच वो राइट आंसर क्या हो जाएगा हंड्रेड क्या हंड्रेड <coughs> इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है वाट डेड द काउ सेक ऑन पोइट डस्ट ऑफ स्नो तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अकॉर्डिंग द नेल्सन मंडेला तो राइट आंसर बताना है इसका इसके बाद नेक्स्ट है चौथा विच द दीज नेम डिड एनी गिव टू हर तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा बिट्टी तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद देखते हैं पाँचवा इन वाट वे पेगी वाज क्रूल टू वा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यूज टू बर्ली हर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं छठवा है क्रोज तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉफी यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सातवा है वेयर डेट सिद्धार्थ तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा अंडर तो क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा पीपल ट्रे इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज तो इसको पढ़ना है इसके आंसर देने हैं तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस नेक्स्ट बीन टेकन तो क्या हो जाएगा ए लेटर टू गॉड इसके बाद नेक्स्ट है वेयर वाज लेंचो हाउस तो क्या हो जाएगा वन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिल्ड फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एव पैसेज तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा इंटीमेटली इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी ए रीड द फॉलोइंग इसको पढ़ना है इसके आंसर देने हैं तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा फायर एंड आइस इसके बाद नेक्स्ट है इज़ द मीनिंग ऑफ पी राइस तो राइस हो हो जाएगा जाएगा क्या राइस इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राइट द नेम ऑफ पोइट ऑफ द तो राइट आंसर रॉबर्ट फॉर फ्रॉस्ट तो क्या हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट दिस वर्ड तो वाट डिड लेंच हॉप तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लेंच ओ हॉप इट फॉर ए गॉड रैन एज इट वॉज मच नीडिड टू फॉर ए गुड हारवेस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डज कार्स मीन टू मंडेला तो फॉर मंडेला कॉर्स डज नाट मीन तो ये आपका आंसर है इसको लिख लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द यंग सी अफेयर्ड टू तो फ्लाई तो इसका राइट आंसर देख लीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि दी आप इस पेपर को पी में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा डब्लू 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 डॉट सुबहानस क्लासेस डॉट कॉम तो क्या सर्च करना होगा आपको डब्ल्यू 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 डॉट सुबान क्लासेस डॉट कॉम जैसे आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से हमारी वेबसाइट मिलेगी वेबसाइट से आप इसका फुल पी सलूशन सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डेरी तो ये राइट आंसर है इसका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डेड तो इसका राइट आंसर देख लीजिए यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपके पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हम तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है वाट दाल्ड गोवा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज राजवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री इन तीन तीस वर्ड तो दो क्वेश्चनों के देना है तो वट डज आइस स्टैंड फॉर्म द पोएम तो ये आंसर है उसका इसके बाद दूसरा देख लीजिए वेयर डेड द बाल गो तो द दॉयज बाल वेंट इन टू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर्स इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए आपके सभी क्वेश्चनों का फुल आंसर मिल मिलना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा इसके बाद तेरहवा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट तीस वर्ड तो तीस वर्ड में आंसर देने हैं तो ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकॉज विजिबल तो राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वाट अनयूजल रीजन्स इन होली सेंट टू स्कूल तो राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट पचहत्तर वर्ड तो क्वेश्चन दिया है आपको पचहत्तर वर्ड में आंसर देना है तो ये पचहत्तर वर्ड का आपका आंसर है तो इसे नोट कर लीजिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपके पीडीएफ के साथ फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए नहीं देखना है यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरे का राइट आंसर देख लीजिए तो आपके सारे क्वेश्चनों के फुल आंसर हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना है देख लीजिए पंद्रहवा क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट डेढ़ सौ वर्ड तो यदि आ राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ़ द पोईमे टाइगर इन जू तो इस सेंट्रल आइडिया को हमने लिखा है तो आप इसे देख लीजिए द पोईमे टाइगर इन द जू बाई ले नोसर्स तो इसको आपको लिख लेना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलमा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सेवेंटी फाइव वर्ड्स तो ये क्वेश्चन है आपके ये यदि आप हमारे वीडियो का फुल पी डी एफ पाना चाहते हो तो अपने सर्च इंजन किसी भी इंजन पर गूगल पर जाइएगा और आपको सर्च करना है डब्लू डॉट क्लासेस आपको बीच में स्पेस नहीं देना है सुबह क्लासेस डॉट कॉम सर्च करना है जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद हमारी पी साइट खुल के आएगी उस साइट में आप हमारी किसी भी वीडियो का फुल पी टी एफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं तो जैसे ही साइट खुलेगी नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए साइट में थोड़ा टाइम लग रहा है आपका नेट यदि फास्ट होगा तो आपकी पी टी एफ बहुत ही जल्द खुल जाएगी तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों ये हमारा साइड खुल के आई भाषा किसे कहते हैं लॉकडाउन की समस्या जीवनी और आत्मकथा ये मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के पेपर हैं आप जिस भी क्लास के कक्षा दसवीं विज्ञान को क्लिक करेंगे तो विज्ञान का आ जाएगा और ये अच्छा कक्षा बारहवीं हिंदी का करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं तो यदि आपको पी डी प्राप्त करना है तो आप हमारी साइट से प्राप्त कर सकते हैं